नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल उमेश राठौर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं बहुत ही हटके कंसेप्ट लेके आया हूँ। एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ दोस्तों। आज मैं बताऊंगा कि रेजिस्टेंस की यहाँ रेजिस्टेंस का कलर कोड कैसे निकालें, वो भी कलर कोड बिल्कुल एक ऐप के द्वारा बिल्कुल साधारण है निकालना। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बताऊँगा कि रेजिस्टेंस में जो कलर कोड होता है वो थोड़ा ईजी है भी है और कठिन भी है दोस्तों। तो जो लोग नहीं समझ पाते हैं तो उनके लिए कठिन है, जो समझ जाएंगे तो उसके लिए कुछ कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आज बताऊंगा एक आपके ऐप के माध्यम से। तो दोस्तों रेजिस्टेंस ऐप से निकालें, कैलकुलेट करें, उससे पहले थोड़े रेजिस्टेंस के विषय में समझ लेते हैं दोस्तों। रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ इस तरह का ये रेजिस्टेंस होता है। बहुत से उपकरण में हमारे लगे होते हैं, TV, डेग, स्टेबलाइजर और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं, बिना इनके काम नहीं होता। आपको मैं दिखा दूँ दूसरा, कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, देख लीजिए। जैसे ये चार्जर की प्लेट है, इसमें बहुत सारे आपको नज़र आ रहे होंगे, इनको रेजिस्टेंस जो बोलते हैं। ये छोटे छोटे ये लगे हैं, मैं आपको बता दूं, ये लगा है, ये रेजिस्टेंस है। एक और चार्जर मैं आपको दिखा दूं ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए। ये लगा हुआ है, ये सबसे ऊपर लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस है दोस्तों। और मैं रेजिस्टेंस के विषय में आपको और भी थोड़ा बताना चाहता हूँ दोस्तों। रेजिस्टेंस की इकाई ओम है। जी हाँ दोस्तों, रेजिस्टेंस की इकाई ओम है। इनमें केवल दो सिरे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ये सिरा हो गया देख लीजिए और एक ये सिरा हो गया, दो सिरे होते हैं दोस्तों इसमें। इनमें केवल दो सिरे होते हैं, इनके बीच एक रेजिस्टेंस का कोई पदार्थ लगा होता है। कार्बन रेजिस्टेंसों का यदि मानना छपा हो तो इन पर तीन या चार धारियाँ पड़ी होती है। इन धारियों को देखकर ही ज्ञात किया जाता है इनका मान। और दोस्तों बता दूं, चार धारी वाले रेजिस्टेंसों के एक सिरे के पास गोल्डन अथवा सिल्वर रंग की जो धारी होती है वो चौथी धारी या चौथी लाइन उसको कहा जाता है दोस्तों। दूसरे सिरे के पास वाली होती है जो लाइन, वो पहली धारी कहा जाता है दोस्तों। पहले धारी का अंक तथा दूसरे धारी के रंग का अंक एक साथ लिख लिए जाते हैं, पहले धारी का और दूसरे अंक का एक साथ लिख लिए जाते हैं। तीसरी धारी का अंक नहीं लिखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो ये तीसरी धारी का अंक है इसका अंक नहीं लिखा जाता, जो लिखा जाता है जो आए तो उतने ही शून्य लगा दिए जाते हैं। तीसरे नंबर तीन आए, चार आए, पाँच आए, कुछ भी आपको उतने ही शून्य लगा दिए जाते हैं दोस्तों, ये लिख दिए जाते हैं। जैसा पीले के लिए चार शून्य रख दिए जाते हैं। 1000 ओम्स बराबर 1 किलो ओम्स होता है, 10 लाख ओम्स बराबर 1 मेगा ओम्स होता है दोस्तों इस रेजिस्टेंस का। वो हाथ के 6 शून्य हटाने से ओम का मान मेगा ओम में बदल सकते हैं दोस्तों। यदि तीसरी धारी का रंग लाल, नारंगी अथवा नीला है, जी हाँ, यदि तीसरी धारी का रंग लाल अथवा नारंगी अथवा नीला है तो रेजिस्टेंस का मान बहुत ही अधिक होगा। यदि इस रेजिस्टेंस का धारी का नीला अथवा पीला, नारंगी, लाल हो तो अधिक होगा दोस्तों। यदि रेजिस्टेंस का मान कुछ किलो ओम का होगा, यदि रंग हरा होगा अथवा नीला हो तो अधिक मान का रेजिस्टेंस होगा दोस्तों। इसका मान मेगा ओम्स में भी हो सकता है दोस्तों। कार्बन रेजिस्टेंस का मान वह नहीं होता जो इसमें दोस्तों लिखा रहता है, ये 5%, 10% कम या ज़्यादा भी हो सकता है दोस्तों। कार्बन रेजिस्टेंस का वास्तविक मान नहीं होता जो इन पर लिखा रहता है, इन पर धारियाँ पड़ी होती हैं, वास्तविक मान से 10% कम या ज़्यादा होता है दोस्तों। इन तीन धारियों में आता है, यदि वास्तविक मान 10% कम अथवा अधिक हो तो सिल्वर रंग की चौथी धारी होती है, यदि वास्तविक मान से 5% तक कम अथवा अधिक हो तो गोल्डन रंग की इसमें दोस्तों होती है ये धारी दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से मैं आज बताऊंगा, आप चलता हूं दोस्तों, वीडियो आगे मैं बताऊंगा कि इसको कैसे एक ऐप के माध्यम से इसको निकालेंगे। बिल्कुल आसान है, आप ये झंझट में कलर कोड में फंसेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। जी हाँ, आपको समझ में नहीं आएगा तो इसलिए मैं आपको एक बहुत आसान तरीके से एक कैलकुलेटर लाया हूँ। कैलकुलेटर क्या, वो ऐप है दोस्तों, प्ले स्टोर में जाके आप उसको डाउनलोड कर देंगे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा दोस्तों, ताकि उसको आपको दिक्कत ना पड़े डाउनलोड करने में या फिर कोई भी। तो बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों
तो चलता हूँ और वीडियो को दिखाता हूँ क्या कैसे है। स्काइप के माध्यम से आप वीडियो को देखते रहें, चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें ताकि लोगों को भी फायदा दोस्तों होता है। आज मैं बताऊंगा, दोस्तों जो आपके सामने जो दिख रहा है ये रेजिस्टेंस है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि इस रेजिस्टेंस को आप कैसे इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इसका जो एक कलर पड़ा रहता है, तीन धारियां चार धारियां किसी में, तो इनका वैल्यू देखकर, कलर देखकर इनकी वैल्यू कैसे ज्ञात करिए, कितने मान का है। दोस्तों अधिकतर अगर सर्किट में देखा जाए तो अधिकतर यही ज़्यादा लगते हैं, अधिकतर यही होता है, तो इस थोड़ा कठिन भी है इसका वैल्यू ज्ञात करना। तो आज मैं बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, आसान ऐप है एक, उसके सहारे आप इसको कर सकते हैं, तो वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा उस ऐप को, तो चलिए मैं दिखाता हूँ उस ऐप के माध्यम से आपको वैल्यू ज्ञात करना। तो हमारे पास से मोबाइल है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, और गूगल में जाने के बाद दोस्तों गूगल में, सॉरी गूगल में नहीं जाना है, प्ले स्टोर में आपको जाना है। प्ले स्टोर में आपको ये रजिस्टर कलर कोड कैलकुलेटर, ये दोस्तों आपको ध्यान से देख लीजिएगा, रजिस्टर कलर कोड कैलकुलेटर, इसके सहारे दोस्तों आप कोई भी रेजिस्टेंस की जो ये धारियां होती हैं, ये धारियां, तो इनकी कलर देख के आप तत्काल जान जाएंगे कौन सा उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं सीधा चलता हूँ, मेरा डाउनलोड किया हुआ है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से ना मिले तो मैं लिंक दे दूंगा, तो मैं इसको ओपन करना चाहूँगा, मैं इसको ये ऐप है ओपन करूँगा। जैसे ही ओपन करूँगा तो देख लीजिए दोस्तों, इस तरह कुछ बन के आ जाएगा इंटरफेस। और जो मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास ये उदाहरण के लिए ये मेरा रेजिस्टेंस है, तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, रेजिस्टेंस का कोई भी हो तो आपको दोस्तों इसमें चार लाइन वैसे तो हैं अभी, तो फिलहाल ये तीन लाइन का ही है, चौथी लाइन प्लस माइनस 20% 10% ये फिक्स नहीं होता है दोस्तों। तो इसका सबसे पहले मैं आपका बता दूं कि जो ये जिस तरफ से स्पेस ज़्यादा है, गोल्डन कलर है, उस तरफ से नहीं गिना जाता है, इसके विपरीत ये ऊपर कत्थाई कलर है जो आपको देख रहे हैं, ये यहाँ से गिना जाता है, ये सिरे से गिना जाता है, क्योंकि यहाँ गोल्डन पड़ा हुआ है दोस्तों। तो बस दोस्तों यही ध्यान से आपको देखना है, और इस ऐप में आपको जाना है, और जैसे मैं इस कलर के हिसाब से आपको बता दूँ, तो कलर के हिसाब से आपको